सो हेलो गाइज, मेरा नाम नीतीश और आप देख रहे हैं इनके स्मार्ट यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम बात करने वाले कि हम अपने चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स के बिना लाइव स्ट्रीम किस तरह से कर सकते हैं। तो सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और गाइज अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइज अभी बात कर लेते हैं कि हम अपने चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स के बिना लाइव स्ट्रीम किस तरह से कर सकते हैं। तो गाइज सारी डिटेल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है स्ट्रीमलैब, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल मुझे बताने के लिए मुझे जाना होगा अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे, तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। सो गाइज मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद हमें गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना और यहाँ से स्ट्रीम लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। तो अभी मैंने सर्च कर लिया, तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ इसको। तो इंस्टॉल होने के बाद में ये इसको कर लेना ओपन। ओपन करने के बाद में ये इसका छोटा सा एक लॉगिन होगा। तो आप जिस भी एप्लीकेशन पर लाइव होना चाहें तो उसी एप्लीकेशन पर आप क्लिक कीजिए। तो अभी देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस देखने में काफ़ी तगड़ा है। इस जैसा कि आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन हो चुकी है ओपन, और इसे हमें करना होगा लॉगिन विद यूट्यूब। तो हम यूट्यूब पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद ये देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने क्लिक कर दिया यूट्यूब पर, और उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड भर देना है। जिस भी आईडी से आप लाइव होना चाहें तो उसी आईडी का आपको ईमेल और पासवर्ड भर देना है, और उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको कर देना अपनी ईमेल पर क्लिक और अलो कर देना है। तो आपके सामने एप्लीकेशन खुलकर कुछ ऐसी आ जाएगी, तो आप देख सकते हैं। तो हमें सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको कैमरा और स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पर हमें अलर्ट बॉक्स को बंद कर देना और चैट बॉक्स डोनेशन, अगर आप सुपर चैट ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पर डोनेशन टिकट्स भी और डोनेशन ग्लोरी भी है, तो आप जैसा चाहें वैसे इनेबल कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों का ऑप्शन बता दिया। तो अभी हमें इनेबल कैमरा और माइक की यहाँ पर परमिशन मांगी जाएगी जिससे हम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, तो आपको अलो अलो कर देना है। तो अभी हमें जाना है 3 डॉट्स पे, जो आपको 3 लाइन्स ऊपर दिखाई दे रही हैं, तो वहाँ पे क्लिक करना। और उसके बाद जाना हमें एडिट पे। एडिट पे जाने के बाद हमें करना प्लस वाले आइकन पे क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें ऐड कैमरा कर लेना है। जी हाँ गाइज, हमें ऐड कैमरा कर लेना है। तो उसके बाद हमें टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और हम आ जाएंगे अपनी लाइव स्ट्रीम में। तो यहाँ पर आपको अपनी पिक दिखाई देगी, अपनी वीडियो दिखाई देगी, तो मैंने अभी आपको कैमरा नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको पहले वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना। जी हाँ गाइज, हमें पहले वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना जिससे लाइव स्ट्रीम पब्लिश हो। अगर आप और किसी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी लाइव स्ट्रीम अनलिस्टेड भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पर कैमरा फ्रंट मोड और बैक मोड में। तो गाइज आप देख सकते हैं कि कितना आसान अपने मोबाइल फ़ोन से लाइव होना बिना 1K सब्सक्राइबर्स के। तो आप भी इस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन से बिना 1K सब्सक्राइबर्स के लाइव हो सकते हैं, तो बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, आप भी इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।